Hello my lovely people, welcome back to the channel and welcome back to another video. My name is Sanjana and yeah, आज का video काफी special है और आज मैं share करने वाली हूँ क्या क्या मैंने purchase करा from Nykaa Hot Pink Sale जो हर साल Nykaa पे होता है from 25th July to 31st July. इस बार मैंने बहुत सारे purchase करे हैं products. हर साल बहुत ही crazy हो जाता है discount Nykaa Hot Pink Sale पे, तो I spent 3000 और इतने सारे products मैंने purchase करे ना. अगर नॉर्मल डेज पे 3000 स्पेंड करते हो तो बहुत ही कम प्रोडक्ट ही परचेस कर पाओगे, बट Nykaa हॉट पिंक सेल का तो बात ही कुछ अलग है. जो न्यू लॉन्च हुए वही प्रोडक्ट मैंने परचेस करे हैं, कुछ रीस्टॉक करे हैं या ऐसे कुछ करके मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस बार परचेस करे हैं. तो ये मेरा छोटा सा हॉल होने वाला है. अगर आप एंड तक देखने के बाद आपको अच्छा लगा वीडियो ना, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये जो चेहरा को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को विद बेल बटन, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर सको. इस चैनल पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, मेकअप एंड बहुत सारे फन ब्लॉग्स. तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आप मुझे और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो या चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज करा है ना, ये एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है. ये है स्विस ब्यूटी का प्रो प्राइमर विद विटामिन सी एंड ई फॉर स्मूथ एंड सॉफ्ट फिनिश, एंड ये नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग प्राइमर है. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. देख सकते हो ये पूरा टोटली सील है, मैंने अभी तक इसको ओपन ही नहीं किया है. लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस और देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट अंदर कैसा है और उसका प्रॉपर रिव्यू मैं दिखाऊंगी कैसा है. सो सुपर अमेजिंग पैकेजिंग, लाइक सो क्लासी, आई रियली लव द पैकेजिंग. तो इसका प्रॉपर रिव्यू आएगा इसको यूज करने के बाद, आपके साथ बिल्कुल इसका रिव्यू शेयर करूंगी. एंड वाओ, ब्यूटीफुल पैकेजिंग, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज दिस वन. सो ये था मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेस करा है Nykaa से. और इसका प्राइस था गाइस 399 रुपीज और मुझे ऑफर मिला ओनली फॉर रुपीज 299, जो कि काफी अफोर्डेबल है. सो या ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो मैंने परचेस करा है ये है मेबलिन का न्यू लास्टिंग ड्रामा जेल लाइनर. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. ये मेरा रीस्टॉक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए मैं इसको बार बार नहीं परचेस कर पाती हूँ, बट ये जब ऑफर में आता है फटाफट ले लेती हूँ. और जो नॉर्मल सस्ते जो होते हैं ना, वो सस्ता जैसा ही काम करता है. ये लॉन्ग लास्टिंग है, एक्सपेंसिव है इसलिए बहुत ही अच्छा है. एंड ये 36 आवर तक आपको लॉन्ग लास्टिंग तो देता ही है. और ये इंटेंस ब्लैक कलर का है और ये आपको स्मज प्रूफ वाटरप्रूफ तो देता ही है. और इसका जो सबसे बेहतरीन बात ये है ना, डब्बे में रह के सूखता नहीं है. बहुत सारे जेल लाइनर्स सिर्फ डब्बे में रख देते हो ना, यूज़ नहीं करते हो ना, आप नोटिस करोगे सूख जाता है एकदम. उसके बाद आप हेयर ड्रायर से उसको मेल्ट आउट करते हो, फिर से यूज़ करते हो, बट ये वाला रह के भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये जमता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसका. और सबसे अच्छी बात है इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, लेट मी शो यू. तो ये इसका एप्लीकेटर है विथ कैप, जो कि हाइजीन मेंटेन करता है. और छोटा सा ये जेल लाइनर, क्वांटिटी थोड़ा कम है बट चलेगा. तो मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला लाइनर. अगर आप भी ढूंढ रहे हो कोई जेल लाइनर जो लॉन्ग लास्टिंग हो, स्मज प्रूफ हो और सबसे अच्छा हो, तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगी आप ये वाला बिल्कुल ट्राई करें. और इसका प्राइस है गाइस, इसका ओरिजिनल प्राइस है 579 रुपीज़, जो कि मैंने बोला थोड़ा एक्सपेंसिव है फॉर जेल लाइनर और इतना क्वान्टिटी भी इतना नहीं है इसका. बट मुझे ऑफर में मिला 347 रुपीज़ में, जो कि अफोर्डेबल है, तो मैंने सोचा इसको बिल्कुल परचेस करना चाहिए. तो या ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट. सो गाइस, नेक्स्ट जो मैंने परचेस करा है ना, ये मेरे विश लिस्ट में बहुत दिनों से था, इसका प्राइस ड्रॉप हो ही नहीं रहा था. तो फाइनली इसका थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ, वैसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, बट जितना भी हुआ आई कैन अफोर्ड दैट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. This is from the brand L'Oreal Paris Brow Artist Genius Kit in the shade 01 medium to dark. So this is how the packaging looks like. ये परफेक्ट है फॉर ट्रैवल, देख सकते हो ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है. और इसका जो कवर है ना गाइस, ये मेटल का है और पीछे का प्रोडक्ट है प्लास्टिक है. सो एज यू कैन सी, मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है. और इसको मैंने एक बार एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है वो यूज़ करते हुए मैंने देखा था, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है. और या एक्सपेंसिव बहुत है, इसका रियल प्राइस है 1109 रुपीज़. कैन यू बिलीव इट गाइस, इतना छोटा सा प्रोडक्ट का प्राइस है 1109, जो कि मुझे फेयर नहीं लग रहा था, अनफेयर लग रहा था. इसलिए सोच रही थी इसका जब भी प्राइस ड्रॉप हो तो फटाफट से पिक कर लूँ.
₹714 मुझे पड़ा इसको ऑफर के बाद, फिर भी एक्सपेंसिव है, स्टिल आई कैन अफोर्ड 700 बट नॉट 1000 rupees फॉर दिस प्रोडक्ट। तो गाइस उसमें आपको एक वेट प्रोडक्ट मिलता है और एक पाउडर प्रोडक्ट, और ये आपके ब्राउज को सेट करने के लिए है और ये आपके ब्राउज को शेप देने के लिए है। तो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सो या ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट। सो गाइस नेक्स्ट आई बॉट दीज टू लिप बाम्स, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वैसलीन। देख सकते हो ये बहुत ही पहले लॉन्च हो गया था वैसलीन ये नायका पे, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मेबलिन का बेबी लिप्स कलर, रोजी लिप्स ये वाला शेड है इसका, और इसका प्राइस है ₹249। और इसका जो शेड मैंने चूज किया है बेरी क्रश, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिप बाम है, और ये टिंटेड लिप बाम मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें आपके लिप्स को कलर मिलता है प्लस हाइड्रेशन मिलता है, दोनों ही मिलता है। ये वाला मैंने कभी ट्राई नहीं करा था, तो मैंने सोचा इसको ट्राई कर लूँ, और ये भी ऑफर में चल रहा था। तो ये वैसलिन का मुझे पड़ा ₹187 में, ये वैसलिन वाला, और ये बेबी लिप का तो अफोर्डेबल ही होता है, फिर भी ऑफर में चल रहा था। इसका प्राइस है ₹175 और मुझे पड़ा ये ₹139 में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है दोनों लिप बाम्स के लिए। और ये काफ़ी क्यूट पैकेजिंग, देख सकते हो टिन का है, लाइक विंटेज पैकेजिंग है, और ये तो मेरे बैग में हमेशा रहता है, ये खत्म होने वाला था, तो मैंने सोचा अभी ऑफर में परचेस करूँ तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये दोनों मैंने लिप बाम परचेस करे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, एंड ये भी सील, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, बाद में खोलूंगी ज़रूर। दोनों ही प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट है, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। तो ये थे मेरे कुछ लिप बाम्स जो मैंने परचेस करे फ्रॉम नायका हॉट पिंक सेल से। सो गाइस नेक्स्ट आई बॉट समथिंग दैट आई रियली लव, विच इज लिपस्टिक्स, और लिपस्टिक तो सबको पसंद है, और ये मेरा रीस्टॉक लिपस्टिक्स है, मुझे काफी पसंद है न्यूड लिपस्टिक्स, तो मैंने दो न्यूड शेड चूज करे हैं फ्रॉम मेबलिन। सो गाइस ये दोनों शेड है, ये वाला जो शेड है ना ये है 21 न्यूड न्यूएंस, और ये है 06 बेस्ट बेब। तो ये दोनों ही बहुत ही प्रिटी शेड्स है, अगर आप मेरे स्किन टोन के हो ना आपको काफ़ी सूट करेगा ये, पर दोनों ही बेस्ट न्यूड लिपस्टिक्स है जो ने रिस्टॉक करे हैं, और इसका प्राइस है दोनों के ही ₹349, और मुझे पड़ा ये जो न्यूड न्यूएंस वाला शेड मुझे पड़ा ₹244 में सेल पे, और ये वेस्ट बेब वाला शेड मुझे पड़ा ₹227 में, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल था, और स्टिल वो अफोर्डेबल होते हैं, 349 तो अफोर्डेबल है ही, फिर भी और कम रेट में तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। उसके साथ मुझे ना एक फ्रीबी दिए हैं जो कि काफ़ी क्यूट है, और ये है सेम ही मेबलिन का सेंसेशनल लिक्विड लिपस्टिक है, और ये है इसका शेड है 02 सॉफ्ट वाइन लाइक सी। हाउ प्रिटी इज दिस, हाउ टाइनी इज दिस, बहुत ही क्यूट है, लाइक ओ माय गॉड हाउ क्यूट, देख सकते हो इसके हिसाब से ये बहुत ही छोटा है, तो ये मिनी साइज में है, और ये फ्री भी मुझे मिला है दोनों के साथ जो काफ़ी क्यूट है, इसको मैं अपने पर्स में बिल्कुल लेके जाऊंगी। तो लेट मी स्वॉच इट फॉर यू गाइज, तो ये है बेस्ट बेब, तो मैं अपने हाथों में थोड़ा सा आपके लिए स्वॉच करके दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा शेड है, तो देख सकते हो ये है बेस्ट बेब, एंड दिस वन इज न्यूड न्यूएंस, देख सकते हो बहुत ही प्यारा शेड है, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में जाता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में जाता है, बहुत ही प्यारा है, और दोनों के सेम ही मेबलिन सेंसेशनल का जो रेंज है, बट थोड़ा अलग अलग पैकेजिंग है, मैट पैकेजिंग है, थोड़ा शाइनी पैकेजिंग है, डे के लिए ऑफिस के लिए दोनों काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, तो डू चेक आउट, इनके दोनों के लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके चेक कर सकते हो एंड परचेस कर सकते हो। तो ये थे मेरे दो लिपस्टिक्स जो मैंने परचेस करे हैं नायका हॉट पिंक सेल पे। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने परचेस करा है ये एक रिव्यू पर्पस के लिए मैंने परचेस करा है, ये न्यू लॉन्च था एम कैफीन से, सो ये है एम कैफीन का नेकेड रॉ कॉफी पाउडर सनस्क्रीन विथ SPF 30 PA++++, लाइक वाओ, सीरम सनस्क्रीन एंड टिंटेड सनस्क्रीन तो हम लोग जानते ही हैं, क्रीम सनस्क्रीन एंड स्प्रे सनस्क्रीन, बट पाउडर सनस्क्रीन पहली बार मैंने सुना है, और एम कैफीन ने लॉन्च कर लिया है ये वाला प्रोडक्ट, तो देख सकते हो ये अभी तक सील है। तो इसके साथ मुझे मिला है फुल साइज का ये चोको लिप स्क्रब फ्रॉम एम कैफीन जो काफ़ी अमेजिंग है, तो ये अभी तक मैंने ओपन नहीं करा है, इसका पैकेजिंग काफ़ी यूनिक है जो मैं बाद में आपको बिल्कुल रिव्यू करके दिखाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। जो भी यूनिक अलग जो प्रोडक्ट जो भी आता है ना, तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होता है इसको ट्राई करने के लिए। सो ये है प्रोडक्ट, सो देख सकते हो इसमें आप इसके नीचे पाउडर है और ऊपर एक ब्रश भी दिया गया है एप्लीकेटर ब्रश, तो इसको मैं जब रिव्यू करूँगी तो प्रॉपर इसका दिखाऊंगी कैसे आप यूज़ करोगे क्या क्या, तो अभी बस ऐसे देख लो, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है और ये भी बैग फ्रेंडली है,
तो इस तरीके से इसका पैकेजिंग है। इसका प्राइस है गाइस 599 रुपीज और मुझे पड़ा 479 रुपीज में, जो कि यार थोड़ा सा मुझे ऑफर तो मिल ही गया। तो इसका भी मैं फुल रिव्यू लेके आऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो ये था मेरा एम कैफिन का कुछ प्रोडक्ट जो मैंने परचेस करा है नाइका हॉट पिंक सेल पे, विथ मुझे फ्री भी मिला फुल साइज ऑफ ये चोको लिप स्क्रब। बहुत ही अमेजिंग डील था। तो यार इनका भी लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके चेक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। रिस्टॉक क्या है, ये प्लम का ऑलिव एंड मैकाडेमिया रिच कंडीशनर। तो इसका मेरे पास शैम्पू है, तो इसलिए मैंने सोचा इसका कंडीशनर में क्यों ना ट्राई करूँ, क्योंकि इसका शैम्पू बहुत ही अच्छा लगता है मेरी मम्मी को, एंड मैंने अभी इसको भी लगाना शुरू कर दिया है। ये ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है, इवन केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसमें सल्फेट पैराबिन कुछ नहीं है। इसका प्राइस है 520 रुपीज और मुझे मिला 364 रुपीज में, और विथ मुझे मिला एक छोटा सा फ्रीबी। ये है एक शावर जेल प्लम का, बॉडी लविंग प्लम का, ये हवाइन रूम्बा का ये छोटा सा छोटू सा शावर जेल। लुक एट दिस ब्यूटीफुल शावर जेल। ये भी ना बैग में ले जाने के लिए काफी अच्छा है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना आपको शावर जेल की जरूरत है तो ये काफी क्यूट ऑप्शन है। ये खत्म भी हो जाएगा ना, इसमें आप दोबारा से डाल के ऐसे बैग पे लेके जा सकते हो, तो ये काफी अच्छा हो जाता है जब भी फ्री भी मिलता है छोटे पैकेट में, क्योंकि ये सेल में तो अवेलेबल नहीं होता है, नॉट फॉर सेल होता है। तो अगर आप फ्री भी मिल जाता है तो आप इसमें आराम से आपका प्रोडक्ट लेके भी जा सकते हो। तो ये मेरे पास शैम्पू था, इसका कंडीशनर नहीं था, तो मैंने सोचा शैम्पू इतना अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कंडीशनर तो लेना ही चाहिए, तो ये ऑफर में था तो मैंने फटाफट से ले लिया। तो ये था मेरा कुछ प्लम के प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेस करे हैं नाइका हॉट पिंक सेल से। सो गाइस नेक्स्ट मैंने परचेस करा है, ये न्यूली लॉन्च हुआ है नाइका पे और कह सकते हो इंडिया पे, ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क का स्काई हाई मस्कारा। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इसका प्राइस है 799 रुपीस, इसमें ओनली 5% डिस्काउंट था, मुझे मिला 559 रुपीस में। तो ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और ये काफ़ी वायरल मस्कारा है, तो मैंने सोचा इसको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल परचेस करना चाहिए, और अभी भी अवेलेबल है नाइका पे, आप फटाफट से पिक कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है एंड आई एम द वन जिसको मस्कारा से कभी यू नो बोर नहीं होती हूँ, मुझे ऑब्सेशन है मस्कारा से, तो मैंने इसको सोचा बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और जो भी न्यू लॉन्च होता है ना फटाफट से पिक कर लेती हूँ। So I'm really excited to use this one also. So yeah, ये मैंने purchase करा है from Nykaa Hot Pink Sale से। So guys, lastly मैंने कुछ Nykaa luxury store से purchase करा है जो कि बिल्कुल परचेस करना चाहिए हॉट पिंक सेल पे। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल था, लाइक इतना भी मतलब ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा इसको बिल्कुल ट्राई बेसिस के लिए परचेस करना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक। लग्जरी का ना बॉक्स ब्लैक कलर में आता है जो कि काफ़ी यूनिक लगता है। सो इस पे मैंने परचेस करा है फर्स्ट टाइम मैक का एक प्रोडक्ट। तो मैंने परचेस करा है मैक का ये प्रेप एंड प्राइम मिस्ट। तो देख सकते हो ये बहुत ही छोटू सा है, तो ये उन्होंने एक छोटा वाला जो साइज लॉन्च किया है, तो इसका प्राइस है ओनली 4 रुपीज 750, जो 13 ml प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, और ये इतना छोटा है, लाइक मेरे पाम के हिसाब से पाम जितना ही ये इसका साइज है 13 ml का। लेट मी शो यू इनसाइड। सबको 13 ml का इतना प्रोडक्ट मिलता है, तो ट्रायल बेसिस के लिए और ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको बड़ा वाला बॉटल लेके जाना नहीं पड़ेगा, छोटा सा ही काफ़ी है। और ये बहुत ही अमेजिंग प्राइमर प्लस फिक्सिंग स्प्रे है, और मैक का तो सारे प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, और मैंने सोचा ट्रायल बेसिस के लिए बिल्कुल लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो बिल्कुल मैं इसका एक फुल साइज़ भी परचेस करूँगी। इसका मीडियम साइज़ भी एक आता है, फुल साइज़ भी आता है, तो ये 750 में ना काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड या आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो मैक का कुछ परचेस करो या फिर लग्जरी स्टोर में कुछ परचेस करो, आपको फ्री ऐसा कुछ ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके साथ मुझे मिला है 6 ml का एक स्ट्रोब क्रीम मैक का, जो कि इतना क्यूट है ना, लेट मी शो यू। सो दिस इज द पैकेजिंग। ये स्ट्रोब क्रीम इतना ही छोटा है, लाइक 6 ml का, लाइक हाउ क्यूट इज दिस, देख सकते हो इतना छोटू सा है ये स्ट्रोब क्रीम, मुझे एब्सोल्युटली फ्री मिला है विथ माय मैक प्रोडक्ट। तो ये मेरा पहला मैक का प्रोडक्ट है और अफोर्डेबल रेट में आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस करा है फ्रॉम नाइका हॉट पिंक सेल से।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो एंड आई होप कि ये वाला हॉल आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने बहुत सारे न्यू लॉन्चेस भी प्रोडक्ट परचेज करे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यू नो ट्राई इट ऑन एंड आपके साथ रिव्यू शेयर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ. तो आगे आपको रिव्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे. सो या वेट फॉर दैट. आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड रिमेंबर आई लव यू गाइस सो मच. See you on my next video. Bye.